फ्लाइट पर तुमने ड्रिंक्स ली थी क्या? चुप रह, सिर्फ एक बियर पी है। कितनी पी थी ना, ये अभी पता चलेगा। बेटा। माँ। बेटा कितना कमजोर हो गया है तू। ओह माँ, तुम अपने पुराने ख्यालों में ही क्यों रहती हो? ये न्यू जनरेशन है, इसे देखकर पता नहीं चलता क्या? बहुत बोलती। चलो माँ। चल पापा कहाँ? पापा अंदर हैं। आप आ रहे हैं इसलिए हमें काम पर लगा दिया। अपने पापा को तो जानते हो ना तुम, खुद की हेल्थ का तो ख्याल नहीं रखते, और लोगों की हेल्थ का ख्याल रखने वाले हेल्थ इंस्पेक्टर हैं वो। माँ तुम तो पिताजी का ख्याल रखती हो ना, तुम्हें तो उन्हें समझाना चाहिए। क्या कह रहे हो, मेरी कही हुई बात वो सुनेंगे? ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? माँ सही कह रही है, जब देखो तब पापा सिर्फ काम काम ही करते हैं। हम तो समझा कर थक गए हैं, अब आप ही उन्हें समझाइए। मैं यहाँ आया हूँ तेरी शादी तय करने के लिए। मूर्ति स्पीकिंग। नो 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 नो, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं छुट्टी पर हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डू आई टेल यू आई एम ऑन लीव? यही चीज मुझे पसंद नहीं आती है। आप फोल्डर में क्यों नहीं देखते? एवरीथिंग इज देयर। मैं स्पून फीडिंग करवाऊं क्या? नो नो नो, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता। नो, डू एज आई से। भैया इक्का आ रहा है। सूर्या। हाय। क्या बात है, अमेरिका जाकर बॉडी शॉडी बनाकर तो स्मार्ट हो गया यार, लुकिंग लाइक अ हीरो। मेरे भैया तो हमेशा से ही स्मार्ट थे। हाँ तू इसे समझा चुटकी। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा। तुम कब आए? 10 मिनट हो गए पापा। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? अच्छी रही। और काम कैसा चल रहा है? नॉट बैड, एंजॉयिंग द जॉब। हाँ वेरी गुड। पापा ऐसे क्यों चले गए? 2 साल के बाद भैया आए हैं और पापा कैसे बात कर रहे थे? सूर्या अंकल एकदम करेक्ट है, ये मेरी गारंटी है। इसका नाटक देखकर ही ना मैं समझ गया था। देखे का मेरा मूड खराब मत कर, ये कुछ ज्यादा ही बात करता है ना माँ। थोड़ा प्यार से 2 मिनट बात कर लेते तो पापा का कुछ बिगड़ जाता क्या माँ? चुप करना। माँ इसकी बातें सही है। ओफो तुम भाई बहन भी ना। ए कौन सी फिल्म है यार, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? भैया ने बम से इस बिल्डिंग को उड़ाया था। ये सब तेरा काम है? ये तो पामा डैन का काम है यार। हाँ भाई, पामा डैन में डायनामाइट लगाने वाले IIT पास आउट ही होते हैं। दिस इज फुल्ली साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। ओह, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझ गया समझ गया। एका को कुछ समझ में नहीं आया, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तू ज्यादा मत बोल, तू यहाँ से जा वरना मैं चला जाऊंगा, समझी ना? माँ मैं जा रहा हूँ। अरे कॉफी तो पी। नहीं, नहीं, पीनी मुझे। अंदर भजिया भी पड़े हैं। क्यों बताया उसे? चुप कर। भजिये? मैं किचन से खुद ले लेता हूँ। तुम भी ना। भजिये मुझे भी पसंद है। अरे भूल गई बेटा, अभी लाती हूँ। ये देख, ये जो प्रकाश है ना, ये तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ बस रंग थोड़ा सा सांवला है। प्रकाश बहुत गोरा था, शादी तय होने के बाद थोड़ा फीका हो गया है। तू खुश है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही तेरे चेहरे से ऐसा लगा कि तू उदास है। प्रकाश सच में पसंद है तुझे? हाँ ऐसा कुछ नहीं भैया। ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ तो है। अच्छा अपने भैया को सच बता। शादी जल्दी तय हो गई है, वो भी अचानक से, इससे पापा का टेंशन बढ़ गया है। तेरी शादी जल्दी तय होने से सबको बेहद खुशी हो रही चुटकी। लेकिन पापा ये सब कैसे कर पाएंगे? हमारी पूरी फैमिली में इस खुशी के लिए कितनी मेहनत की जा रही तुझे पता है? भैया आप सब जानते हैं, पापा का नेचर भी आप जानते हैं। अरे तू उनकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ ये बात नहीं है। अरे और क्या बात है भैया? सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तू बता। मुझे ये घर और आप सबको छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, प्रकाश अमेरिका जाना चाहता है, ये बात उसने मुझसे कही। वो क्वालिफाइड भी है। तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों को ही अमेरिका ले जाऊंगा, और उसके बाद में मम्मी पापा और इक्का को भी। इक्का को बिल्कुल मत ले जाइए, उसका केस ही अलग है। अच्छी जॉब छोड़कर वो यहाँ पर आया है। ये जानने के बाद मैं उसके मुँह से 2 बातें सुनना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद तो मैं शॉक हो गया। मैं भी शॉक हो गई थी। उसकी परमानेंट सैलरी कितनी थी पता है? 2 लाख रुपए। देख सूर्या, 2 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
लेकिन सिर्फ पैसों से ही खुशी मिलती है, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन दिस। अरे यार, जिंदगी में जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी जीने भर के पैसे कमा सकता हूँ सूर्या, तू तो जानता है यार। आई हेट बॉसेस, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं यहाँ एम्प्लॉय भी हूँ और खुद बॉस भी हूँ। मैं यहाँ काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, इन सब का फील ही अलग है यार। मल्टीनेशनल कंपनी में ये सब नहीं मिलने वाला। ओह ठीक है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बनाया हुआ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कैसा चल रहा है? गोइंग गुड, लेकिन ये कोई चैलेंज नहीं है यार। मैं कुछ और रिसर्च करना चाहता हूँ। आज आईटी फील्ड में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, व्हाइट हैट हैकर्स, यू नो, डिफीट द हैकर्स थ्रू हैकिंग। इस फील्ड में कोई भी आकर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, यू नो, राइट अप नेशनल सिक्योरिटी। ये है मेरा टारगेट भाई। हाँ पापा। कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 20 days। ये क्या बेटा, अब की बार 2 साल बाद आ रहा है, कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो लिया था। इसकी शादी में भी तो आना पड़ेगा ना माँ, सब छुट्टियाँ भी ले ली तो फिर इसकी शादी में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। That's better। तुम शादी में अगर जल्दी आओगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा पापा। वो बैंक लोन के बारे में बताइए ना। बैंक लोन अभी क्यों, वो दूसरा लोन लेंगे ना इसकी शादी के खर्च के लिए। शादी के लिए? पापा सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी तो हूं ना। शादी का सारा खर्च मैं करूंगा, तुम नहीं। अगर तुम चाहो तो इस घर का इंटरनेट बिल भर सकते हो। ओह, पिछले महीने 5,000 रुपए से ज्यादा बिल आया था। तुम भाई बहन हमेशा वीडियो कॉलिंग करते रहते हो। पापा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, हमने कभी भी वीडियो चैटिंग नहीं की है। सुन लो, तुम्हारे पापा को कंप्यूटर की नॉलेज भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन विंडोज को माइनस करना आता है। माइनस नहीं पापा, मिनिमाइज। हाँ वही, मिनिमाइज करना अच्छे से आता है। हाँ बेटी, मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर विंडोज को मिनिमाइज माइनस कर सकता हूँ। हाँ? तुमने क्या सोचा था कि मैं कंप्यूटर के मामले में इलिटरेट हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इंटरनेट का अनलिमिटेड प्लान ले लेते हैं। आप ही ने नहीं सुना। मैं इंटरनेट का 1,000 रुपए का बिल हर महीने नहीं भर सकता। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ये सब कुछ डॉलर कमाने वाले अपने भाई से कहो, वही भरेगा। मूर्ति सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारथी, आइए आइए। लगता है मैं एकदम सही वक्त पर आया। अरे सुनो सुब्बू, प्लेट लेकर आओ। सुनिए, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा। हाँ तो? अकेला नहीं हूँ। तो कौन है? गायत्री। दीदी यहाँ बैठो। थैंक यू। ये हमारे कृष्णमूर्ति अंकल है। हाय अंकल। ये शुभलक्ष्मी आंटी। हेलो आंटी। हाय। ये है सूर्या, अंकल का बड़ा बेटा, यूएस में रहता है। हाय। हाय। हम लोग पहली बार मिले हैं, है ना? आपके बारे में पापा ने बताया था। और ये ऐश्वर्या है,
इसकी शादी तय हो चुकी है, शादी की खुशी देख रही हो? हाँ, इसके पसंद का लड़का मिल गया ना, इसीलिए। और एक और बात बताता हूँ, इस घर का सबसे पावरफुल आदमी कृष्णमूर्ति अंकल का दूसरा बेटा अजमल मोहम्मद। तुम कंफ्यूज हो गई है ना? थोड़ी सी। जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, पास में मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। नाउ दिस इज माई फैमिली, अब यही मेरी लाइफ है। अरे हाँ, तुमने सबके साथ गायत्री को इंट्रोड्यूस तो करवाया, लेकिन मेरे साथ इसे तुमने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? हाँ, ये तो समझ सकता हूँ। अब तू ही इसे समझा। ये आपकी बीवी तो नहीं है, बेटी है क्या? मैं इतना बुढ़ा दिखता हूँ क्या? अब मैं समझा। ये मेरी बहन है गायत्री, 2 साल से मुंबई में पढ़ रही है, ये थोड़ी ना मेरे साथ रहेगी, बस एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवानी। दीदी तुमने कौन सा कोर्स किया है? MBA। अच्छा, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रही हो? अभी तुरंत नहीं, हॉस्टल में वार्डन की बात सुन सुनकर थक चुकी हूँ, अब इनके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भाई को भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, लड़की ढूंढेंगे। सुनो, जरा टीवी ऑन करो। क्या बात है सारथी? इट्स अनदर आउटब्रेक। One second, doctor. Yeah, tell me. How bad is the situation? 4 बच्चे मर गए। ये कैसी डिजीज है डॉक्टर? इसकी शुरुआत एक फीवर से हुई थी और उसके बाद हैवी वॉमिटिंग। सिम्टम्स के आधार पर देखा जाए तो ये वायरल मायोकार्डिटिस है, ये डेंजरस है। पर इसकी कोई तो दवा होगी? बड़ों को इस बीमारी का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चों के लिए 80% रिस्की है। मैंने फार्मा कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया है। डॉक्टर एक मिनट। एक मिनट। रहस्य बताना है, किसी को बताइएगा मत। ये तुम कौन से रहस्य के बारे में बात कर रही हो? वो हमारी गायत्री दीदी है ना, आपको कैसी लगी? किस गायत्री के बारे में? ओह, आप कितनी गायत्री को जानते हैं? ओह, अच्छा, वो छोटी बच्ची है? अरे वो बच्ची नहीं, बड़ी लड़की है भैया। ऐसा क्या? ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बताकर कोई फायदा नहीं है, मैं चलती हूँ। तू बच जा, काम क्या बता। नहीं, आपको अगर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो बताकर क्या फायदा। जब ऐसी कोई बात नहीं है, पसंद है। तो बता क्या बात है। वैसे उस दिन वो यहाँ आई थी, वो अनऑफिशियल लड़की दिखाने का प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा, किसे? दिमाग मत खराब कीजिए। ओह, ये बात है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे लड़की दिखाएंगे। ओहो, अगर पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं जाकर बताती हूँ कि भैया को पसंद नहीं है। रुक, अरे कहाँ जा रही है? सर ये बताइए कि बात क्या है। अरे अभी तो आपने शादी के लिए इनकार कर दिया ना। मैंने ऐसा कहा का? मैंने तो कहा कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि लड़की आ रही है, बस यही तो कहा था। मतलब शादी नहीं करनी है ना? जरा सोच के अगर मैं शादी के लिए ना कह दूं और पिताजी के मन में है मेरी शादी करना, तो मेरे ना कहने से उनका दिल दुखेगा कि नहीं? उन्हें कितना दर्द होगा मैं समझ पा रही हूं। तो कोई भी सीधी बात नहीं कर सकती क्या? अगर यही बात है तो फिर मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्या कहा आपने? मैंने मतलब मैं विदेश में रहने वाला भारतीय हूँ, तो शादी से पहले लड़की के साथ डेटिंग करके कम से कम 2 साल तो होनी चाहिए। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। वैसा यहाँ पर कुछ है क्या? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं पापा से बात करती हूँ। जब देखो तब बोलती रहती कि पिताजी को बता दूंगी। मेरे भैया के लिए सारथी की बहन को पापा अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन गायत्री दीदी तो आपको भी तो पसंद आनी चाहिए ना भैया। ओ, ऐसी भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वैसे भी प्रॉब्लम है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस गायत्री दीदी को मैं पसंद हूँ या नहीं? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मैं नहीं पूछूंगी, आप ही बात करो ना और उसे जान लो कि आप उसे पसंद है कि नहीं। अरे ये मेरा बर्थ प्लेस है, रिटायरमेंट के बाद मैं और सुब्बू यहीं पर रहेंगे। इस खेत के किनारे बने घर में रहकर क्या करेंगे आप? पूछ रहे हो क्या करूंगा? कृषि, फार्मिंग, यहाँ होगी फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और हमारे पैदा किए हुए फ्रेश वेजिटेबल्स। 100% हेल्दी एंड पीसफुल रिटायरमेंट।
आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपके रिटायरमेंट में भी 5 साल हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है सूर्या, इस पुराने घर को रेनोवेट करने का इंतजाम भी कर दिया है। अरे यही तो हमारा प्लान है, लेकिन ये सब कैसे पूरा होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। सही कह रहा हूँ ना बेटी? वैसे ये जगह कैसी है? कमाल की है अंकल, ऐसी जगह पर रहना ही पसंद करती हूँ मैं, सच में। इसे तो गांव का माहौल बहुत पसंद है, खेती बाड़ी और पौधों की देखभाल करेगी। तो इसे हमारी बेटी समझकर हमें दे दीजिए। ले लीजिए, हमें तो खुशी होगी। चलो आ जाओ बेटी, घर दिखाता हूं। तो तूने फैसला कर ही लिया? क्या फैसला? बेटी समझकर दे दीजिए। चुप कर बेवकूफ, बेटी समझकर दे दीजिए। मेरी माँ की इच्छा है कि उसके बेटे की बहू कुछ इसी तरह की हो। हाँ। देख मैं सच कहूँ तो इस बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकता, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की हमारी फैमिली की टाइप की बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अच्छी बात नहीं बोल सकता कुछ? वैसे आप तो भैया गायत्री के मन की बात जानना चाहते हैं ना, लेकिन जानेंगे कैसे? देखा जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में जाने से पता चला कि वो जल्दी पटने वाली नहीं है, वो थोड़ी रिजर्व टाइप की है। आप भी ना भैया, एक लड़की को जानने के लिए उसके दिल में क्या है ये जानना होता है। मतलब कि तुझे खेतों में काम करना पड़ेगा है? अरे गायत्री को खेती करना बहुत पसंद है यार। अरे तुम जा रहे हो क्या? पापा भैया कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आज सूर्या जा रहा है ना, हाफ डे ले लीजिए। अरे तो क्या हुआ, मैं वक्त पर आ तो गया, क्यों सूर्या? बात अरे सुबह मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पापा आप दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी छोड़कर ये सोशल सर्विस करना जरूरी है क्या? तुम ये सब चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जा बेटा अपना ख्याल। चलता हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए कुछ खाकर तो जाइए। क्या खाना? बाद में खाता हूँ। हाँ शरीर के टुकड़े होकर मम्मा इसके पीछे टेररिस्ट का क्या हुआ? जल्दी आओ ना। जी का कहना है इस बारे में पूछताछ की क्या हुआ? बनाई जाएगी। देखो एसपी अंकल, ईमानदार अधिकारी साथी की मौत पर हमें बहुत दुख हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि सरकार सम्मान के साथ। सुन बेटा, तेरे पिताजी इन्हीं से मिलने गए थे। क्या कह रही हो मम्मा? और हमारे संवाददाता से जानते हैं कि वहां क्या। सुन अपने पापा का फोन कर। हां मां वही तो कर रही हूं ना। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है माँ। हे भगवान। अच्छा सुन, अजमल से बात कर। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने। हेलो अजमल। क्या? अभी अभी टीवी पर देखा, पापा इस पिंगल से मिलने गए थे, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैंने उन्हें देखा था। कब? बस 5 मिनट पहले, वो यहाँ अंकल से मिलने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हैं बता ना। अजमल ने उन्हें 5 मिनट पहले ही देखा था, वो इधर ही आ रहे हैं। ये किसने किया, कोई खबर मिली क्या? ये टेररिस्ट अटैक है, ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर टीवी वालों से कह रहे थे। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो सामने था। पता नहीं भैया, ये सब सुनने के बाद मुझे भी बहुत डर लग रहा है। गायत्री, पापा आने के बाद हम उसे मिलने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। अजमल कहाँ? वो किसी से मिलने गया है, वहां से ही वो एसपी अंकल के घर आ रहा है। लगता है पापा आ गए। कौन है? छोड़ दो उसे, अरे बाप रे, मेरी बेटी, नहीं, नहीं, thank you।
तूने कुछ नहीं खाया ना? पापा के बहुत दुश्मन थे क्या? समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता सूर्या। एसपी सर की मौत और हमारे घर में हुई घटना दोनों सेम डे एंड दैट टुक जस्ट आवर्स अपार्ट। इट्स जस्ट टू स्ट्रेंज टू बी कोइंसिडेंस। इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है? मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन अंकल ने एसपी का जिक्र किया था। वो एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। हो सकता है कि गायत्री को इस बारे में कुछ पता हो। कौन चाहिए? गायत्री नहीं है क्या? आप लोग कौन? गायत्री के पहचान वाले सूर्या अजमल आया, उसे बता दो। ओ ठीक है, मैं मेम साहब को बताती हूँ। साहब, गायत्री मेम साहब को उठाया तो वो उठ नहीं रही है। आप जरा देखिए ना, देखिए ना, इधर देखिए, वो उठ ही नहीं रही है साहब। गायत्री, 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 गायत्री। सूर्या, अजमल, शहजाला, उठो, चलो, 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 संभाल कर। ये सब करने से क्या मिला तुम्हें गायत्री? अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी सूर्या? गायत्री, तुम्हारी तरह मैं भी एक दिन मैं अनाथ हो गया था। पुलिस और मीडिया जिस तरह से कह रही है गायत्री के भाई की मौत टेररिस्ट अटैक में हुई, इसमें तुम विश्वास करती हो? इन दोनों घटनाओं के बीच जरूर कोई संबंध है। और ये मालूम करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अल्फा रेमेडीज कंपनी का इससे क्या संबंध है? अल्फा रेमेडीज इस कंपनी के इसी कंपनी के प्रोग्राम के लिए पिताजी गए थे। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, आप जैसा कह रहे हैं कि इस स्टेट और बगल वाले स्टेट में बीमारी फैलने की जो वजह है वो है साफ सफाई का इंतजाम ना होना, पर ऐसा नहीं है। एक एनजीओ ने साफ सफाई की जिम्मेदारी ली जो हाउसिंग कॉलोनीज में सफाई का काम करती है, पर ऐसी कॉलोनीज में भी ये बीमारी फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हैदराबाद में वसंत विहार कॉलोनी, चेन्नई में अडियार कॉलोनी, केरला में me. आपका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। ओह, आप केरल से? हाँ जी, मैं यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। ओह गुड, हेल्थ इंस्पेक्टर, तब तो काम आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये बीमारी सिर्फ खाने और पानी से ही नहीं होती, ये हवा से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर, पर बीमारी बताई हुई जगहों पर सिर्फ पानी से ही ये बीमारी फैली है, ऐसी रिपोर्ट है। सी मिस्टर मूर्ति, ये संभव है कि पानी से पोल्यूशन हुआ हो, पर रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है। आखिर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ना भाई। देखिए, मुझे ये स्पीच कंप्लीट करके जाना है, समझ गए आप? प्लीज लेट मी कंटिन्यू।
Coming back to the sir, point which I was talking please, about. Sir, मेरी एक बात. Mr. Murthy, आप मेरा time. Purity and mineral water, food products companies, Alpha Remedies, ये सब आप ही के हैं ना? सर, मैं वापस से नाम लूँ? Sorry, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ. Food products और mineral water बनाने वाली Purity company आप ही की है. नहीं तो, ऐसा आपसे किसने कह दिया? नहीं, ऐसी rumor है. Rumor, sir. ये जगह रूमर डिस्कस करने के लिए नहीं है और उसके लिए वक्त भी नहीं है मेरे पास. लेट मी कंटिन्यू माय स्पीच प्लीज. सो अल्फा रेमेडीज का मालिक कौन है? बट फॉर व्हाट सूर्या, अल्फा रेमेडीज और मूर्ति अंकल के बीच क्या संबंध है? ये काम किसने किया होगा? गायत्री के भाई को किसने मारा होगा? अच्छा सुनो बेटा. हाँ पापा. हम ये इंटरनेट में डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं क्या? आप क्या सोच रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा. मैं बताता हूँ. वो हम कुछ अगर कोई खास डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम उन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं, है ना? तो उसी तरह से इंटरनेट में हम इन्हें रख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन 25 MB तक रख सकते हैं. मेल में अटैच करके ड्राफ्ट में रख सकते हैं. अल्फा रेमेडीज साउथ इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है. इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में ही 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. लेकिन इस कंपनी ने यह सब कुछ ईमानदारी से नहीं कमाया, बल्कि उल्टे सीधे कामों से कमाया है. अल्फ्रेड मार्कस इस कंपनी का मालिक है. उसके दो बेटे हैं, एडवर्ड मार्कस और एंड्रयू मार्कस. उन दोनों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है. उनके बिजनेस को संभालता है उनका जनरल मैनेजर कार्तिकेयन. इस आदमी ने एक साजिश के तहत एक ऐसा वायरस फैलाया जिससे बीमारियां बढ़ी और फिर उन्हें ठीक करने के लिए कंपनी ने बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई जिसे मजबूरी में लोगों को खरीदना पड़ा और इस तरीके से कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़ा. उनके इस धंधे में राजनीति से जुड़े लोगों ने भी उनका साथ दिया. प्योरिटी के नाम पर मिनरल वाटर और फूड प्रोडक्ट्स में वायरस मिलाकर आम लोगों के बीच उन्हें पहुंचा दिया, जिससे कई तरह की बीमारियां पूरे स्टेट में फैल गई. कमिश्नर अंकल अब तक आए नहीं. क्या हुआ? वी आर बीइंग वॉच्ड. कौन कौन? मत देखा, वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी. ओ, तो गायत्री? वो हमारे साथ आई, ये बात कोई नहीं जानता. आ जाओ. पर गायत्री को तो हमें बताना पड़ेगा ना. अभी नहीं. We'll be right back.
क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर गायत्री को उसने पहचान लिया तो? जिसने हमारी फैमिली को मारा उसे अवार्ड दिया जा रहा है। इसे छोड़ेंगे नहीं हम। हम क्या कर सकते हैं आजकल? दे आर फार बियॉन्ड आवर रीच। मैडम ये केबल टीवी से आए हैं, टीवी चेक करनी है। बोल रहे थे कि सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ऑन करके देखिए। चिकन लेके आ। कल चिकन लाई थी तो चने मांग रहे थे, आज चने लाई हूँ तो चिकन मांग रहे हैं। जो बोला वो कर, फालतू की बकवास मत कर।
सर मैं आए एडी है व्हाट ओके काम डाउन या पापा कार्तिकेयन का फोन था असिस्टेंट कमिश्नर वेंकटा चलपति इज किल्ड इन एन एक्सप्लोजन एट हिज रेसिडेंस Where is Andrew? Eddie, what's wrong with you, Eddie? You ruined my evening, bro. Papa wants you here. We have a situation. What kind of situation? Assistant Commissioner Venkata Chalpati is killed in an explosion. What? How? Just keep quiet and come. इस टीवी में ब्लास्ट हुआ है. उस केबल टीवी ऑपरेटर के वीडियो हमें मिला है. ये हमारी पुलिस है. हमें साथ देना ही पड़ेगा. असिस्टेंट कमिश्नर की वाइफ ने उसे देखा होगा ना? हाँ, देखी है. और सिर्फ वही नहीं, सोसाइटी में रहने वाले पुलिस वाले ने भी उसे देखा है. इसलिए उसे हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं. Who's leading the investigation? एसपी मोहम्मद इलियास. लेकिन उनसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है सर. और सर आप तो जानते ही हैं इसमें बहुत रिस्क है. थैंक यू मिस्टर जेम्स. तो मैं चलता हूँ सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट. पापा व्हाट्स बॉदरिंग यू? ये किसने किया होगा? जिस किसी ने भी किया हो, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के बाद अब हमारी बारी हो सकती है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर. पुलिस के वैसे भी बहुत दुश्मन होते हैं ना, इसलिए किसी और ने किया होगा. एब्सोल्युटली, इट वाज अबाउट पुलिस ऑफिसर. समबडी किल्ड हिम, राइट? एंड ऑफ स्टोरी. पापा वो जो भी हो हमें क्यों मारना चाहेगा? द वे ही हैज बीन किल्ड, इट्स अ डेयरिंग अटेम्प्ट. घर के बाहर अगर उसे मारा होता तो. Papa, can I go back to club now? No more pubs, no more party. Have I made some points clear to you? Sorry? I didn't hear anything? Yes, yes, Papa. Good. I appreciate that. Sir, उस असिस्टेंट कमिश्नर के मरने से पहले उसके घर में कोई कार्टून शो चल रहा था, ऐसा एसआई जेम्स ने रिपोर्ट किया. कार्टून कैरेक्टर? यस सर. एसीपी की वाइफ से मैंने बात किया. कोई केबल टीवी वाला अपने को टेक्नीशियन बताकर बॉम्ब सेट करके गया था. एक्सप्लोजन बहुत बड़ा नहीं था सर. शरीर पर कोई खास जख्म भी नहीं था. फेस और चेस्ट पर ग्लास पीसेस डीपली घुस गए थे, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और फिर डेथ हो गई. आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कुछ भी हो सर, लेकिन ये टेररिस्ट का काम नहीं है. उनकी ऐसी स्टाइल ही नहीं, मुझे तो इसमें प्रोफेशनल टच लगता है. You mean an association? मैं ऐसा कंफर्म तो नहीं कह सकता सर, बट आई हैव अ गट फीलिंग. कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में कार एक्सप्लोजन में मरे एसपी पार्थ सारथी के डेथ में और इसमें कुछ रिलेशन जरूर है, ऐसा मेरा डाउट है. पार्थ सारथी एक क्लीन ऑफिसर था. उसका और करप्ट वेंकटा चरपति के बीच कोई संबंध था, आप कैसे कह सकते हैं? वो कंट्राडिक्शन ही सिर्फ एक वजह नहीं है सर. 5 महीने पहले कोयम्बटूर ट्रांसफर किए गए वेंकटा चलपति को 3 महीने में ही वापस बुला लिया गया. अगर इसे गौर से देखा जाए तो पार्थ सारथी के डेथ के पीछे इसका लिंक जरूर है. अब उनके ट्रांसफर के पीछे और पर्पस क्या हो सकता है सर? लाइक एवरी ट्रांसफर इट वाज अ कैबिनेट डिसीजन. बट ये ट्रांसफर आखिर किसके इंटरेस्ट पर हुआ अगर? ओके, आई विल ट्राई. थैंक यू सर. Ugh.
कोयंबटूर के श्री पार्थ सारथी की मौत हो गई और फिर असिस्टेंट कमिश्नर की मौत। इन दोनों हत्याओं के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई है। इस केस की छानबीन करने के लिए मोहम्मद इलियास को नियुक्त किया गया है। मैग्नेट इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चल रही है पर अभी तक। अब हम तीनों को एक साथ रहना सेफ नहीं है। अजू गायत्री वापस घर चले जाओ, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। दीज आर न्यू नंबर्स, फेक आईडी देकर दूसरे के नाम से लिए थे। ये फोन्स हम तीनों के आपस में बात करने के लिए ही है। अब हम ओरिजिनल नंबर से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। एंड रिमेम्बर, लाइफ शुड सीम नॉर्मल, एकदम सामान्य दिखनी चाहिए। मेरे बारे में कोई पूछे तो कहना मैं वापस यूएस चला गया हूँ। एंड ऑल्सो ये नंबर कहीं भी सेव मत करना, अपने दिमाग में बिठा लेना। अजू हमें सर्वेलेंस कैमरा की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चेहरे तो अलग अलग आदमियों के हैं। हाँ सर, दाढ़ी और चश्मा एक जैसा ही लग रहा है। वो लोग भी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। अरुणा सर, तुम तुरंत कोयंबटूर जाओ। ओके सर। मारे गए असिस्टेंट कमिश्नर और एसपी पार्थ सारथी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करो, जैसे कि उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, एनिमीज सब के बारे में। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए दो लोगों को अपॉइंट किया है। ओके सर। पर ये बात तीन लोगों के अलावा और कोई भी जानने ना पाए। ओके। मेरी बात समझ में आ गई? समझ गई सर। ओके, यू मे गो। हेलो फ्लैशबैक नेटवर्क, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यस हाउ मे आई हेल्प यू? दिस इज फ्रॉम अल्फा रेमेडीज, वी हैव अ प्रॉब्लम विद आवर नेटवर्क कनेक्टिविटी। यस मैम, वी विल सेंड अ टेक्नीशियन इमीडिएटली। मॉर्निंग मैम, आई एम फ्रॉम फ्लैशनेट। डू वन थिंग, यू जस्ट मेल मी, आई विल हैव अ लुक एट इट एंड गेट बैक टू यू। ओके, हां, जस्ट होल्ड द लाइन। क्या हुआ? ये इंटरनेट चेक करने आया है। ये सब क्या चल रहा है? दोबारा प्रॉब्लम आई तो मैं लाइन कट करके कोई नया कनेक्शन ले लूंगा। ओके सॉरी सर, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। हाँ, दैट आई विल सेंड अक्रॉस, नॉट ए इशू। ओके, व्हाट नाउ? सर सब रूटर चेक कर लिया है, यहाँ का रूटर चेक करना है ऐसा बोल रहा है। डू इट, चेक कीजिए। हाँ ओके परफेक्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लुक एट द मेल, सो फर्स्ट गेट द मेल एंड गेट इट ज़ेरॉक्स। ओके हाँ, दैट्स फाइन। सर ग्राउंड फ्लोर जंक्शन बॉक्स में मैंने एक राउटर का बटन दिखाया था। हाँ? मैं जब कहूँ उसे दबाना। हाँ, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड इट इमीडिएटली, जस्ट गिव मी सम टाइम। सी द हायर अथॉरिटी वांट टू वेरीफाई इट फर्स्ट, देन ओनली आई कैन हेल्प यू। हेलो, कनेक्टेड सर। क्यों भाई, रेडी हो गया क्या? जी हाँ हो गया सर। ओके वेरी गुड। हाँ नेट रेडी हो गया, आई जस्ट सेंड इट अक्रॉस राइट नाउ। हाँ ओके, हाँ 2.5 GB है ना, इट विल टेक सम टाइम। ओके यू विल गेट इट।
कमिश्नर के मरने से पहले उसके घर में कोई कार्टून कैरेक्टर का शो चल रहा था, ऐसा एसआई जेम्स ने रिपोर्ट में लिखा था। फेस नहीं दिख पा रहा है। Then what you expect? He is smart and daring. Must be a professional. Somebody is after us. पूरे ऑफिस में सिर्फ पुलिस ही दिखाई दे रही है। सर अभी क्या करना है? एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ वो कौन है ये जानना पड़ेगा। सर एसपी साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। एडी सॉरी फॉर योर लॉस, मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू। वैसे ये काम इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले टेक्नीशियन का ही है। उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज मैं इसी वक्त देखना चाहता हूँ। एडी बट पापा इट वॉजंट वर्किंग, आई मीन इट वॉजंट रिकॉर्डिंग। That's too bad. 2 महीने पहले मैंने आपको ये बात बताई थी डैड। ओके, तुमने बताई होगी, बट यू वुड हैव गिवन इट फॉर रिपेयरिंग। सब काम मेरे कहने के बाद ही करोगे क्या? With all respect, we are trying to help you, sir. I know, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप ये मुझे बताएंगे? लेकिन आपके स्टाफ ने तो कहा कि सिक्योरिटी कैमरास काम कर रहे थे। Really? रिपेयर हुआ कि नहीं ये कोई नहीं जानता। इसका मतलब रिकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते? सी मिस्टर एसपी, आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, जिन्हें आप देने से इनकार कर रहे हैं। दैट मींस यू हैव समथिंग टू हाइड। एवरीबॉडी हैज समथिंग टू हाइड मिस्टर एसपी, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। आप बड़े अधिकारी हैं इसलिए मैं आपसे खुलकर बातें कर रहा हूं। माय कंपनी हैज अ ट्रेडिशन, वी डायरेक्टली डील विद आवर ओपोनेंट्स। यहां हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है, बदला की जरूरत है। अगर वो हमसे बदला लेगा तो हम भी उससे जरूर बदला लेंगे। ओके। मिस्टर मार्कस, अपने दूसरे ऑफिसर्स के सिक्योरिटी कैमरास को चेक करवा लीजिएगा। इट शुड बी वर्किंग। आई थिंक दिस इज जस्ट बिगिनिंग। आई फील थ्रेटन्ड। यू आर थ्रेटन्ड। He is a very powerful and respected businessman. उनका तमिलनाडु में रहने वाले सारे पॉलिटिशियन से अच्छा कॉन्टेक्ट है। So be careful when you deal with him, sir. Sir, एसपी सारथी के बारे में पूछताछ करने के लिए मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैंने जो इंसिडेंट सुना उसका इससे कोई रिलेवेंस है या नहीं मैं नहीं जानती। वन मिस्टर कृष्णमूर्ति, वो हेल्थ इंस्पेक्टर, कोयम्बतूर में हार्ट डिसीज की वजह से उनके सारे परिवार की मौत हो गई। वो और एसपी पार्थ दोनों दोस्त थे। जिस दिन पार्थ सारथी की मौत हो गई, उसी दिन कृष्णमूर्ति को भी किसी ने मार डाला। अल्फा रेमेडीज, हेल्थ इंस्पेक्टर, एसपी पार्थ सारथी, कैन यू स्मेल समथिंग? डेफिनेटली सर। ये पहले क्यों नहीं बताया? वो सर, अल्फा रेमेडीज अभी पिक्चर में आई है। होम मिनिस्टर, गुड इवनिंग सर। सर सर ये कानून के खिलाफ है सर। ओके सर, दे दूंगा।
ये केस और एसीपी के केस की रिपोर्ट मार्कस को देने के लिए होम मिनिस्टर ने कहा है। बट सर, हाउ इज इट पॉसिबल? यही तो हमारे देश की बदनसीबी है। एंड वी कॉल दिस डेमोक्रेसी। दिस इज टू मच सर। मिस्टर मोहम्मद, बी प्रैक्टिकल, दे दीजिए। नाउ ऑफ द रिकॉर्ड, रिपोर्ट देते वक्त एडिट करके दे देना। सर बैठिए। यू डिग डीप। हमें मार्कर्स पे कड़ी नजर रखनी होगी। इस केस के पीछे कोई भी हो, मार्कर्स के ढूंढ के निकालने से पहले हमें ढूंढ के निकालना होगा। ओके सर। बट सर, इस रिपोर्ट से मार्कस क्या कर सकता है? जरूर ये रिपोर्ट मार्कर्स के लिए नहीं। समवन इज कमिंग, समवन ही ट्रस्ट। हिज नेम इज आनंद चतुरंग, अदरवाइज नोन एज कैप्टन। बॉर्न इन चेन्नई, श्रीलंकन मिलिट्री में बॉम्ब स्क्वाड में काम करता था। उस आदमी का मुख्य मकसद था पैसा कमाना। मिलिट्री से उसे कोर्ट मार्शल करके बाहर निकाला गया। नाउ ही इज अ फ्रीलांसर, एन एक्सेलेंट एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, वर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गुड इन मेनी लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ ग्रेट कनेक्शंस। अबव ऑल, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमें भी बिल्कुल वैसा ही आदमी चाहिए। We have money, muscle power, and now we have an expert in explosives. That makes us a team. Just give him whatever facilities he need. Sir, please. Sir, meet your MD, Wilfred Marcus. Hi, I'm Anand Chandra. My clients call me Captain. Welcome to the Alpha family, Captain. Yeah. Please be seated. Thank you. ये है MD Kelderson, Edward. Hi. Hi. He is the one of the director of our company. ये Engerson and Rowe. Hi. Hope you understand the gravity of the situation here, Captain. Yes, sir. कोई हमारे ऊपर वार करे, उससे पहले हमें उसके ऊपर वार करना होगा। We have a lot of powerful business rivals. I can help you with their names. तो ये एक आदमी का professional work है, ऐसा आप समझ रहे हैं? Yes, of course. Police की findings तो यही बता रही है। If you want police help, then why me? Because Papa thinks you are some kind of Superman or something. Andy. सर, पुलिस रिपोर्ट इज वेग। या तो उन्होंने खुद ही जांच की होगी, या फिर वो लोगों से सुनकर उसकी रिपोर्ट बना रहे होंगे कि ये एक आदमी का काम है। अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं तो मुझे इस पर 100% यकीन नहीं हो रहा है। आई हैव माई ओन डाउट्स, बट आखिर में मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया है वो पता चला? ये एक आदमी का काम है। तुम जल्दी से मुद्दे की बात करो, पापा ने काफी खर्चा करके तुम्हें यहां बुलाया है। Definitely. I'll give you the clear picture in a couple of days. After all, it's just few hours since I landed. Sir, plastic explosive is istemal kiya gaya hai. But there are different types of plastic explosive in the world. Like C4, PMW, nitro electrolyte syntex, PENO, etc. etc. तो इसमें कौन सा plastic explosive istemal kiya gaya hai? ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पा रही है. और इसके destructive power is unbelievable. एक ग्राम से इस पूरे बंगले को उड़ाया जा सकता है और उसे कहीं भी रखा जा सकता है, यहां तक कि एक पेन में। इंटरनेट सही करने के लिए जो आदमी वहां आकर ऑफिस की छानबीन करके गया है और एक्सप्लोजन करके गया है, दैट मेक्स दिस ऑफिस टोटली वल्नरेबल। First of all, we need thorough search in the office. क्या हुआ? पापा, let's get hell out of here, huh? Come on, Eddie. Come on, Captain. Oh!
सर आई थिंक कॉल फॉर यू. यस अल्फ्रेड मार्कस स्पीकिंग. हु इज दिस? आई एम द वन यू आर लुकिंग फॉर. यू आर अ कवर्ड. पुट इट ऑन द स्पीकर. यू गॉट गट्स? कम इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. यस यू आर. आई कैन सी दैट. I am coming after you, Marcus. And nothing is going to keep you from me. I'll burn your empire to the ground and destroy everything and everyone you love as you watch. It's just a matter of time. Of course, it was a bluff. ये मैं पहले से ही जानता था. हमारी पूरी स्टाफ पैनिक हो गई है. We have to do something. थोड़े वक्त के लिए इंटरनेट कनेक्शन कट करना होगा. Alpha Remedies की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी. यहाँ काम करने वाले सभी लोगों की डिटेल्स चाहिए मुझे. We need a thorough background check. But what do you mean? We cannot rule out the possibility of an insider. Can't do this alone. I need a team. People whom you trust. Trust? Very complicated word. Very hard to find. But in this business, you have to trust somebody. Okay. आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा. Just protect my company. Hmm. Papa, I think I know which company is behind all this. Just give me an opportunity. I'll finish this. What makes you think so? उस दिन एक आदमी के बारे में जिक्र हुआ था. आपने बताया था कि उसका नाम है एक्शन टोनी. कोटेक्स मेडिक्स. इट्स एन अमेरिकन कंपनी. मोरओवर इट हैज गॉट मैक्सिकन माफिया कनेक्शन. एंड थिंक अबाउट एक्सप्लोजन पैटर्न. नेवर सीन इन दिस कंट्री बिफोर. पापा आई थिंक ही हैज अ पॉइंट. कैप्टन, व्हाट डू यू थिंक? ही इज सजेस्टिंग दैट इट्स अ बिजनेस राइवलरी, राइट? एब्सोल्युटली. I doubt. I think it's personal. Ridiculous. आपकी सोच की वजह? This is not a high professional work. Don't talk rubbish. This is definitely a professional's work. Professional won't bluff. वो लोग कार्टून दिखाकर मजाक नहीं उड़ाते. किसी को भी फिनिश कर सकते हैं. उन लोगों को फिनिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो आप सबको मारकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लग जाएंगे. But here in this case, things are different. वो आप लोगों को डरा कर बहुत खुश हो रहा है. इफ यू वॉन्ट हेल्प फ्रॉम मी, आई नीड टू नो ऑल अबाउट योर डर्टी बिजनेस. इफ एनी. We don't do any dirty business. Fine. Then I'm going to take control of your life. Shit. You're right. Okay, Papa. I think we should all go together. Hey, what's all this? आज से आप तीनों एक ही गाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे. वही सेफ रहेगा. Okay.
चेयर के नीचे बॉम्ब है। डोंट मूव, दिस इज प्रेशर एक्टिवेटेड। ओके मूव 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 सर सर ए जाना सर डोंट मूव ओके आई मीन इफ यू मूव ये फट जाएगा ओके करेगी। तुझे कैसे पता चला? थोड़ी देर पहले वो मेरे घर आई थी। हाय, मेरा नाम रजिया है। सॉरी? मेरा नाम रजिया है। हाँ जी कहिए। मैं सूर्या की पुरानी क्लासमेट हूँ। हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे। She's lying. I don't know. ओह ऐसा है। अभी मैं दुबई में काम करती हूँ। वेकेशन के लिए गांव आई तो सूर्या की फैमिली के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में पता चला। मैं सूर्या के घर गई तो उसके घर ताला लगा हुआ था। आपसे पूछताछ करने के लिए नेबर ने बताया। मैं अभी सूर्या से मिल सकती हूँ? सूर्या तो यूएस चला गया है। कब? ये सब होने के एक महीने बाद चला गया वो। ओहो, अब क्या करूं? अगर फोन आया तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ये क्या बोलूं? वो फोन करेगा क्या? हाँ करेगा। आप वो नंबर दे सकते हैं मुझे? नंबर देगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं एक नंबर बताता हूँ। वो दे दे। एक मिनट। 914 नोट कर लीजिए। 779 779 ओके। 666 777 ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके वेलकम। सूर्या, नंबर देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना यार? ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, अभी मेरे एक फ्रेंड के पास है, वो हैंडल कर लेगा। पर ये कौन हो सकती है यार? एल्फ्रेड मार्कस ने भेजा क्या इसे? I don't know. लेकिन तेरा वहां रहना अच्छा नहीं है। अब तुम दोनों यहां रहोगे। अजू, तू एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और तेरे साथ तेरी सिस्टर रहती है। ओके। सिविल सर्विस सेंटर कोचिंग में पढ़ रही है और तुम दोनों कोची के रहने वाले हो। ये अल्फ्रेड मार्कस का बंगला है। मार्कस के मूवमेंट्स को फॉलो करना तुम दोनों का काम है। What's the hurry?
We have the whole night ahead of us. Right? There is never enough time. It's slow. It's boring. Easy. I'm thirsty. Why don't you get me something to drink first? Please. Hot or soft? Anything. Your pick. I will be waiting. My kind of girl. What's wrong with the other room? This room has an attitude. High class attitude. One second, my phone. You won't believe this. What is it? You wanna watch? Have a look. It's kind of heavy, huh? Well, it's an old phone. You know what? I'm gonna buy you a new one. Really? Why not? Thanks. Shall I? Yeah. He was your responsibility. मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें जो चाहिए था वो कुछ दिया तुम्हें, मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए. You are answerable for this. I'm sorry for your loss, but Andrew was not cooperating. How dare, sir? Get out of my face! Out now! डरने की जरूरत नहीं है. शी इज ऑल राइट.
बाएं गाल में थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ी गहरी चोट है, चिंता मत कीजिए। और हाँ, ये प्रेशर कुकर की वजह से हुआ ये मैं नहीं मानता। अजू गायत्री, यू न्यू द ड्रिल। मोबाइल फोन अपने हाथ से उसे देने के बाद तुम्हें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तुम्हें पता था ना? मुझे उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो भी प्लान में थोड़ा होशियार रहना था। वी ऑलवेज हैड अ प्लान बी। मैं मरी नहीं हूं सूर्या, वो जिंदा नहीं है ना। अब आगे क्या करना है? सच में सूर्या, पैसा ना सब कुछ सेट कर देता है। उसे कोई शक हुआ क्या? उसे कोई शक तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रेशर कुकर से हुआ वो मान नहीं रहा। डिस्चार्ज कब करने के लिए कह रहा है? 2 दिन में डिस्चार्ज करेगा। कल हमें पैसे भरने होंगे, लेकिन फिर भी ड्रेसिंग करने के लिए भी यहां पर आना ही पड़ेगा। गायत्री, तुम्हें अपने आप को उस बॉम्ब से दूर रखना चाहिए था यार। Bastards! Do you have any idea what's going on here? Do you have any clue who is behind all this? Sorry, I didn't hear you. No, sir. How dare! मेरे इतने पैसे खर्च करवाकर, मेरी हर जगह पर, मेरे घर पर सिक्योरिटी कैमरास और मेटल डिटेक्टर्स लगवाने के बाद इसके पीछे कौन है ये तुम पता नहीं लगा पाए? तुम्हें शर्म नहीं आती? I trusted you. I have lost my confidence completely in you. I'm really sorry to hear this, sir. With all due respect, sir, sir के farm house में कोई security measures इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। Why? इस farm house के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था। आपकी दी हुई लिस्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। No, papa, it was there in the list. मैंने लिस्ट बनाया था। I'm damn sure about it. You better ask him. Sir, इन्हें वो लिस्ट देने से पहले एंड्रयू सर ने उसे रिमूव कर दिया था, सर। Permission to speak, sir? Go ahead. I know you are doing some dirty business. मैंने आपसे उसके बारे में पूछा था तो आप वो बात मुझसे छुपा गए। मैं इसके बारे में कोई गलत नहीं कहूंगा। It's quite natural. Personally, मैं आपका राज जानना नहीं चाहता, लेकिन उस राज से ही बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और इसलिए आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। पहले भी मैंने आपको इसके लिए अगवा किया था। मैंने एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की बात की थी और अब मैं ये बात पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी नहीं है। इट्स पर्सनल। सर, उस दिन एंड्रू के साथ एक लड़की फार्म हाउस में गई थी, वॉचमैन ने मुझे बताया।
बट आफ्टर द एक्सप्लोजन वो लड़की वहां से गायब हो गई। तो अगर हम उसके पैटर्न के बारे में सोचें तो एक बात समझ में आ रही है और वो ये है, दे कंट्रोल देयर एक्सप्लोजन। ये थे मिनिमम कैजुअलिटी और उसका टारगेट जो भी होता है वो उसी पे अटैक करता है और एक प्रोफेशनल आदमी कैजुअलिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा बिकॉज प्रोफेशनल्स हैव नो सेंटिमेंट्स। सो बट आई नीड टू से दैट दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर डर्टी डील्स। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम मी, पुट सम लाइट ऑन योर डर्टी बिजनेस। Give a list of people you have eliminated. Selvam. Haan sir. Give it. इतने पास होकर भी उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं सूर्या। हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए लेकिन हाँ सावधानी से जरूर रहना चाहिए। बेटे को खो देने वाला मार्कस हिज मोर डेंजरस देन एवर। जाहिर सी बात है कि अब हम उसके करीब पहुंचने वाले हैं इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने उसके मेल अकाउंट को हैक कर लिया है, अब उसके सारे इनकमिंग और आउटगोइंग मेल्स हमें मिल जाएंगे। गायत्री का ख्याल रखो तुम। अब हम बार बार नहीं मिलेंगे, हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कोयम्बतूर में अपने घर पे कुछ सामान लाने के लिए। सर, आपने जो लिस्ट मांगी थी वो ये रही। डिजीज आउटब्रेक में मरे हुए सारे लोगों की डिटेल्स हैं। इस लिस्ट में मौजूद क्लोज रिलेटिव्स के माता पिता, पति पत्नी, भाई वगैरह, उनमें से अभी कौन कौन जिंदा हैं, उनके क्या वेयर अबाउट्स हैं और क्या फोटोग्राफ्स हैं वो हमें चाहिए। ओके। अल्फा फार्मेसी की सभी ब्रांचेस और एंड्रू के मरने से पहले क्लब की सर्वेलेंस फोटोग्राफ मुझे चाहिए। बट सर, उस क्लब में सिक्योरिटी कैमरा नहीं है क्योंकि वो एक लीगल क्लब है सर। व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री? Do not move a muscle. तुम में से कोई भी अगर एक इंच भी हिला, the entire house will explode. Mr. Surya, we came to help you. आपकी फैमिली की मौत की वजह मार्कस है ये हम जानते हैं. So, cooperate with us. We'll bring him to justice. It's too late, sir. मुझे अपने कानून पर जरा भी विश्वास नहीं है क्योंकि कानून अल्फ्रेड का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे क्या करना मैं जानता हूं। नो सूर्या, आई कांट लेट यू गो। आई हैव 4 मिनट्स टू डिसआर्म दिस बॉम्ब और वो इस मोबाइल के इस्तेमाल से कर सकता हूं। एंड आई विल डू इट एज़ सून एज़ आई नो आई एम सेफ। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब यहां से जिंदा वापस जाए। बट इफ यू लीव मी नो चॉइस। Thank you.
सर, डिड यू आस्क फॉर मी? मैं और मेरा बेटा अपने ही घर में कैदियों की तरह इतने दिनों से बंद पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? 2 दिनों से उनकी ओर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। कुछ भी झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। आई थिंक यू शुड चेंज द स्ट्रैटेजी। सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट गिव मी सम मोर टाइम, एटलीस्ट अ वीक। कैप्टन, इन दोनों सिचुएशन में हमें ऑफिस में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे मार्केट शेयर्स नीचे गिर गए हैं। हमारे बिजनेस अपोनेंट्स हमसे दुगने पैसे कमा रहे हैं। सो वी नीड टू रिएक्ट नाउ। अभी हमारे डेट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी नीड टू बी देयर। आप दोनों को ही वो मीटिंग अटेंड करनी बहुत जरूरी है क्या? फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कितना सही है और नहीं है ये तो मैं भी नहीं जानता, बट इट्स अ गट फीलिंग। एडवर्ड मे बी द नेक्स्ट टारगेट, इसलिए मैं एडवर्ड को यहां से शिफ्ट करने की सोच रहा हूं। बहुत सीरियसली सोच रहा हूं सर। इस स्टेट में कोई भी जगह सेफ नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। देन हाउ अबाउट ऑस्ट्रेलिया? परफेक्ट। लेकिन हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है। पहली कि एडवर्ड जहां भी जाएगा इस बात का पता हम तीनों के अलावा किसी को नहीं होगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। और दूसरी, वहां जाने के बाद यहां के कम्युनिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके, सेल्वम। सर, सूर्य कृष्ण मूर्ति की डिटेल्स किसने कलेक्ट की? हाँ बोल। तुझे एक मेल भेजा है। रिटर्न नहीं है। नहीं है। और एक बात, 21 तारीख तो परसों है ना? सही कहा? एग्जैक्टली। What is he? मैं नहीं जानता सर, उसके घर के आसपास पूछताछ की है, बट वो करता क्या है कोई नहीं जानता। बस इतना पता चला कि वो USA में था। तो अभी वो गांव में है? उसकी फैमिली के मरने के बाद वो गांव गया था सर, लेकिन उसके बाद वो USA चला गया। Some more I need to know about him. Is there any way? He is here at large.
इस छोटे से बच्चे के डर से हम लोग यहाँ छुप कर बैठे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। जब तक ये मिल नहीं जाता हमें सावधान रहना होगा। ही इज अ वन मैन आर्मी। इफ ही इज अलोन तो गेस्ट हाउस में रहने वाली लड़की, मे बी ही हायर्ड हर टू अट्रैक्ट एंड्रू। लेकिन ये तो बताओ हम इसे ढूंढेंगे कैसे? जो भी हो, जो हम जान गए हैं फिलहाल ये बात राजी रहनी चाहिए। एडवर्ड की फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद और एडवर्ड के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। अगर मेरी सोच सही है तो वो एडवर्ड का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया जरूर पहुंचेगा। अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इमिग्रेशन में आपको चुपके से जांच करवानी होगी। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में जब वो आएगा देन पुलिस विल नेल हिम। नो 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 पुलिस। पुलिस और कोर्ट को पैसे देने के लिए मैंने आपको यहां नहीं बुलाया। ये लड़का मुझे मिलना चाहिए, जिंदा चाहिए। सूर्य, मैकस निकल गया है। सूर्य, दे आर ऑन द वे। Mr. Marcus. Oh, it's you again. You killed my friends. You killed my son. I will find you and I will kill you. It's just a matter of time. Two p.m. Emirates. Sahi hai? I promise you, Mr. Marcus. He will not even reach the airport. मेरे परिवार को जब तुमने मारा, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया सिवाय देखते रहने के। ठीक वैसे ही तुम्हारा बेटा भी चिल्ला चिल्ला कर राख हो जाएगा और तुम सिर्फ देखते रहोगे। You bloody scoundrel! Bye, Mr. Marcus. Hey, hello! Like you said, it's just a matter of time. You shit! Hey, jaldi aage badhao! Hey, overtake the car! Hey, take, take, reverse, reverse, reverse. Eddie! Kya? Bomb! On the door! Run, Eddie! Run! Oh. Even if you have to burn the entire city into flames, get the bastard alive. Sure, sir.
सब जगह अच्छी तरह ढूंढो, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की कोई भी डिटेल मिले तो वो बताओ मुझे। गो। यस सर। जाओ। सारा घर ढूंढ लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बड़ी सफाई से काम किया है सर। अंदर कुछ नहीं मिला सर। सर since 2 weeks. Anyone who can provide any information regarding this person will be rewarded rupees 1 crore. If you have any information regarding this person, please contact. अब ठीक हो गई है। हाँ। तुम लोग एक महीने के बाद आओगे तो चलेगा। ओके, थैंक यू। चलो आओ। मैंने कहा था ना अभी जाने की। अरे लेकिन हमें
साइबर कैफे में जाकर मार्कस की लोकेशन को तुरंत ट्रेस करो इसी वक्त। Killed my sons. For what? For your family? Revenge? I order the hittings. I am the one who is responsible for your family's death. And I am here, intact. You failed miserably. टाइम फॉर द सनसेट, सूर्यास्त का समय करीब आ चुका है। सर, वी शुड कीप सम डिस्टेंस, इट्स हेवी। आई नो, एज यू सेड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सी यू इन हेल।